एक बार फिर से आपका स्वागत है एस आस्था आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड असन में, और आज हम आपको स्पेशल जिस हर्ब की जानकारी दे रहे हैं उसका नाम है काकमाची, और इसको हिंदी में बोलते हैं मकोए, और बड़ी ही अच्छी मेडिसिन है, और इसका विभिन्न लीवर के जो रोग होते हैं उनमें आजकल इनका बड़ा ही उपयोग किया जा रहा है, और हम आज इसका पूरा डिटेल में आपको बताएंगे हर चीज़ की, कहाँ पे ये होती है, किस टाइम पे इसके फूल आते हैं, कब इसके फ्रूट आते हैं, और इसको कैसे लिया जाता है वो भी हम बताएंगे। जैसे एक आयुर्वेद में जो कसाई जो कल्पना होती है, मतलब कि किसी भी हर्ब को कैसे लिया जाता है, उसको पांच और उसकी कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहले जैसे इसमें पंचविध कसाई कल्पना उसको बोला जाता है, तो जैसे सबसे पहले रस होता है, उसके बाद ये क्वाथ, चूरण, फांट, हिम आदि ये कल्पना होती है, तो इसको हम किस रूप में लेंगे ये आपको हम आगे बताएंगे। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मकोए है, इसकी हरे रंग की होती है, हमेशा हरी भरी रहती है, और अब जैसे अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में इसके फ्रूट और फल आ जाते हैं। शुरुआत में जो फल होता है ये हरे रंग का होता है फल, ये देखिए, और पकने के बाद ये फिर ब्लैक कलर का हो जाता है, इसको खा भी सकते हैं फ्रूट को। जो इसके फ्लावर्स हैं वो गुच्छों में आते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, और ये सितंबर अक्टूबर में अपनी पूरी प्रफुल्लित अवस्था में होती है, गहरे हरे रंग की होती है, और इसका जो तना होता है वो थोड़ा डार्क, थोड़ा हल्का काला रंग होता है, और थोड़े से इस पर मकोई का हम पंचांग यूज़ करते हैं। इसका खासकर जो लीवर हमारा जो यकृत है उसमें इसका खास विशेषकर उपयोग होता है, जो जीर्ण जो पुरानी लीवर की बीमारियां होती हैं उसमें बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके अलावा जो सूजन हो जाती है कहीं भी पूरे शरीर में या कहीं भी लोकल किसी भी एक एरिया में या पूरे शरीर में, उसमें इसका बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा मकोई का पेस्ट, इसके पत्तों का पेस्ट बना के कोई भी जो चमड़ी की बीमारी है, सोराइसिस वगैरह, एक्जिमा या कोई और बीमारी, उसमें लगाने से आराम मिलता है, साथ में इसको खाने से भी चमड़ी के रोगों में आराम मिलता है। इसके अलावा आयुर्वेद में यह तिक्त रस युक्त होती है, इसका जो रस होता है तिक्त रस होता है, और जो इसका जो ये गर्म थोड़ा अनुष्ण शीत स्वभाव की होती है, और ये त्रिदोष पर काम करने वाली होती है। तिक्त रस होने के कारण खासकर ये पित्त शामक होती है और वात शामक होती है, वैसे ही इसको रसायन के रूप में भी माना जाता है, तो बड़ी ही दिव्य औषधि है, और पूरे भारत में लगभग हर जगह पे ये मिल जाती है, और अपने हरियाणा में तो ये हर जगह आपको मिलेगी, आप ध्यान से देखना आपके आसपास में ज़रूर मिल जाएगी। तो अब हम इसके उपयोग के बारे में आपको बताते हैं कि इसको हम किस रूप में प्रयोग करें और किन किन रोगों में इसका प्रयोग करना चाहिए। खासकर जो भी पेट के रोग हैं, आयुर्वेद में पेट को कोष्ठ बोला गया है, कोष्ठांग गत रोग, यानी कि कोष्ठ के जो भी रोग हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर अगर किसी को क्रोनिक जो कॉन्स्टिपेशन है, पुरानी कब्ज में बड़ा ही अच्छा आराम करता है, इसके अलावा जो लीवर में कोई भी जीर्ण शोथ, ये सिरोसिस ऑफ लीवर या फैटी लीवर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या हार्ट की शेप चेंज हो जाती है, और इसके अलावा किडनी में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए भी ये बेस्ट है। और साथ में ये इसको हम कैसे यूज़ करें, तो सबसे सिंपल तरीका ये है, इसको हम जड़ से उखाड़ के और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, कोई कीड़ा मकड़ी या कुछ ऐसा ना हो, धो के इसके अच्छी तरह, और इसको किसी पात्र में या किसी चीज़ में इसको मसल कर अच्छी तरह कूट पीट कर इसका किसी कपड़े में लेकर रस निकाल लेते हैं,
रस निकालने के बाद इसका हम एक मिट्टी की हांडी लेकर और उस हांडी में इस रस को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। गर्म कम आँच पे करना होता है, कम आँच पे गर्म करके इसका जो रस का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और हल्का थोड़ा गुलाबी रंग का आपको दिखने लगेगा। और इसको उस टाइम उतार के और इसको थोड़ा ठंडा करके और इसमें 2 काली मिर्च का पाउडर डाल के आप इसको किसी भी प्रकार के पेट के रोग में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तिक्त रस है, कफ शामक है, रसायन भी है और त्रिदोष शामक भी इसको बोला गया है। तो ये शरीर की जो भी संतर्पण जन्य जो व्याधियाँ होती हैं, संतर्पण जन्य मतलब कि जो भी काम ना करने की वजह से, ज़्यादा खाने से या फिर जंक फूड खाने से, फैटी या ज़्यादा एनर्जी के जो फूड हम लेते हैं जिससे कि शरीर मोटा हो जाता है, शरीर में चर्बी जमती है, यूरिक एसिड बढ़ता है, जो भी डिपॉजिट जो फालतू होता है बॉडी में उसको ये दूर करती है। मार्केट में इसके पंचांग प्रयोग होता है और इसका मार्केट में मकोए का अर्क भी मिलता है जो कि किडनी के रोगों में और लीवर के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका फलों का चूर्ण भी मिलता है, फलों का चूर्ण खासकर नेत्र रोगों में बहुत ही उपयोगी माना गया है। इसके अलावा यह बालों की बीमारियां जैसे बाल उड़ने या बाल सफ़ेद होना, बालों में डैंड्रफ, बालों की कमजोरी में भी ये काम आता है। अब इसकी मात्रा के बारे में आपको बताते हैं। इसकी मात्रा अगर आप रस इसका प्रयोग करते हो तो इसकी मात्रा 20 से 30 ml के करीब आपको लेनी होती है। अगर आप इसको अपान काल में लेते हो यानी कि खाली पेट लेते हो तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, पर ये आपकी बल पर निर्भर करती है कि आप खाने से पहले आपको सूट करेगी या खाने के बाद, या आप ये चेक कर सकते हैं या आप किसी डॉक्टर की सलाह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फल का जो चूर्ण है 1 से 2 ग्राम थोड़ा कोष्ण जल से या थोड़ा गर्म पानी से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जानकारी इसके बारे में लेनी हो तो आप नीचे लिखे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।